दोस्तों नमस्कार। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो गौरव तिवारी के हार्ड कोर फॉलोअर्स हैं। और मैंने सोचा कि जो मैं बात थकी, मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन करने का, कुछ दिखाने का, भूत प्रेत ब्ला ब्ला ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये जगह भी कभी बदनाम थी, जिसको क्लियर मैंने ही किया, फ्री मैंने ही किया। ये जो पीछे फैक्ट्री देख रहे हो ना, ये लोग कहते हैं 12-13 साल पहले, इनफैक्ट कहते क्या है भी, यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, कई सारे लोग मारे गए थे, उसके बाद ये बंद हो गया था। ये देख रहे, ये नई सीमेंट जो की गई है, ये सारे यहाँ पे फैंस थे। और इस सबसे ज़्यादा इसको सपोर्ट करता है जो पीपल का पेड़ है। देखिए क्या क्या लोग करके रखते हैं यहाँ पे, मतलब मान्यता होगी लोगों की, ठीक है। अब वीडियो को शुरू करने का टाइम आ गया है। मुझे ना कोई यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करनी है। हाँ, इस जगह को फ्री मैंने किया था, आज़ाद मैंने किया था, आज ये आबाद है। और शाम तक यहाँ बहुत चहल पहल रहती है। अब वीडियो को शुरू करता हूँ आपके लिए। थोड़ी वीडियो डार्क होगी तो इसको आप मैनेज कर लेना। और मैंने आज कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन का यूज़ नहीं किया है, जो सिंपल जो मेरे पास मोबाइल, इसको थोड़ा सेट कर लें, जो मेरे पास मोबाइल माइक्रोफोन है उस पे ही मैं डिपेंडेंट हूँ। कहीं और बैठ जाऊँ क्या, मेरे फेस पे लाइट, ये जगह ठीक लग रही है। पीछे फैक्ट्री, जो भी हो, चलिए आज शुरू करते हैं बात। पता है गर्मी कितनी, इसलिए मैं ये लेकर के आया हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है गौरव तिवारी भाई को लेकर, बहुत बड़ी। और ये आप सबको ना, मतलब काफ़ी एक्साइटेड करेगा, बहुत एक्साइटेड करेगा। अकेला यार सब कुछ मैनेज करना ना बड़ा प्रॉब्लम होता है, सच बता रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि गौरव तिवारी भाई को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। धीरे धीरे वीडियो देखते जाइएगा, मैं इसको डिस्क्लोज करता जाऊंगा। हालांकि ये वही जगह है जहां पे मैंने अपनी लाइफ का पहला इन्वेस्टिगेशन कभी किया था। आया तो था मज़े में, लेकिन कुछ मिल गया था उसको। गौरव भाई ने कहा था कि हाँ, ये Class 1 EVP है। ये यही जगह था जहां मैं बैठा हूं आज। ये फुटपाथ वगैरह उस टाइम में शायद नहीं था ये, और इतना लाइट वगैरह नहीं था। यहां जो इतने सारे लाइट्स लगे हैं, उसका कहीं ना कहीं रीज़न मैं ही हूं, ये भी फिर कभी बताएंगे। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि गौरव भाई ने जो भी आज तक किया है पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, मैं बार बार ये सोचता हूँ कि उनको ना उस तरह का नेम एंड फेम नहीं मिला उनके ज़िंदा रहते हुए, जो उनको उनकी डेथ के बाद मिला। यही SSR के साथ हुआ था। SSR भाई की जो वॉर थी डेथ के टाइम में 70 करोड़ थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी वॉर्थ पता नहीं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड करोर्स में है। सवाल ये उठता है कि ये खुद से बन गए, उनको पब्लिक ने बनाया था। लेकिन बात यही होती है ना कि जब SSR भाई चले गए, और उनको शायद ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, दिल बेचारा उनकी मूवी आई थी, वो हाईएस्ट व्यूड OTT पे या यूट्यूब पे वो शायद वो मूवी रही है, मुझे जैसा समझ में है अब तक, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो जो पब्लिक का जो टेंडेंसी होता है ना, नाम के पीछे, व्यूज़ के पीछे, फॉलोवर्स के पीछे भागना, हमने बहुत लड़ाई की है गौरव भाई को लेकर के। उनके डेथ के बाद हमें ऐसा लगा कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्होंने सोसाइटी के लिए किया, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। अपना 50-60 लाख रुपीज़ लगा दिया, गंवा दिया। क्यों? उनका थीम था लोगों का डर ख़त्म करना, इरेशनल। ऐसा नहीं है कि वो कहते थे यहाँ कुछ नहीं होता, ये सब वहम है, भूत प्रेत, वो कहते थे होता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करते थे। और जो उनकी नॉलेज की लेवल थी ना, वो बिल्कुल अलग ही तरह की थी। मैं कहूँ तो शायद 30 साल बाद जो है ना, लोग हो सकता है सोचना शुरू करें, 30 साल या 50 साल भी हो जाएगा उनको। मुझे तो नहीं लगता है कि इंडिया
पिछले 50 साल में भी इंडियंस की थॉट में चेंज, इंडियंस क्या पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, आज जो हालात हो गए हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फिर से थॉट्स वही चले गए हैं रामसे ब्रदर वाली मूवीज़ पे। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जिसको जो देखना अच्छा लगता है, जो पब्लिक को पसंद है, क्रिएटर वही बनाएगा। क्रिएटर कभी भी ऐसा नहीं करेगा, हम जैसे लोगों की तरह क्लास तो नहीं कराएगा आपका कि देखने वाले लिमिटेड गिने चुने लोग हों, बहुत गिने चुने और थोड़े बहुत व्यूज़ आ गए, चल गया। अब मुझे भी ये नहीं करना चाहिए, अच्छा खासा कंपनी चलाता हूँ, क्यों इतना ध्यान दूँ इन चीज़ों पे। हाँ, ये वीडियो करना इसलिए ज़रूरी है, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारे जो एफर्ट्स थे ना, वो काम आए हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी मुंबई टीम में एक एक करके इंट्रोड्यूस कराता हूँ, सिद्धार्थ बंतवाल। हेलो गाइज, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी टीम का एक सदस्य हूँ। आज हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि हमारे जो फाउंडर है रेवरेंड गौरव तिवारी, उन पे एक बेस्ड हम किताब बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और यू नो, कहीं ना कहीं उनकी उनका उनका जो एक एम था, उनका जो एक गोल था कि हमारे देश में ये जो अंधश्रद्धा है या यू नो काइंड ऑफ सुपरस्टिशन जो हम कहते हैं, उनके खिलाफ एक जंग लड़ने का उनको उनका एक गोल था, वो हम फाइनली कहीं ना कहीं इस किताब के थ्रू वो कर पा रहे हैं। इस किताब में ऐसे और कहीं किस्से, ऐसे कहीं एक्सपीरियंसेस जो उनके हैं, वो हम बाहर लाने वाले हैं, वो हम पब्लिश करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। सो जुड़े रहिए इस वीडियो से। और ये किताब लॉन्च होगी 2 सितंबर को, जो उनका जन्मदिन है, जो गौरव सर का जन्मदिन है, तो उस दिन वो लॉन्च होगी। और कुछ किताब के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये किताब को लिखा गया है मिस्टर अभिरूप धर ने, और हमारे जो लिटरेरी एजेंट है जिन्होंने हमें ये पब्लिशिंग डील दिलवाई थी, उनका नाम है मिस्टर सुहेल माथुर, जो द बुक बेकर्स करके कंपनी के मालिक है। ओके, और ये बुक पब्लिश करेगी वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिकेशन हाउस, जिसका नाम है वेस्टलैंड पब्लिकेशंस, जो अमेजोन की एक पब्लिशिंग हाउस है। तो हम बहुत खुश हैं इस चीज के लिए और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट में जुड़ने का मौका मिला। मेघना पोरवाल। हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघना फ्रॉम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, और मैं आज आपके सामने आई हूँ ये बताने के लिए कि हम लोग ने एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस, हम लोग के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग को करीब करीब एक डेढ़ साल लग गया है उसको करते करते। एंड हम लोग सिर्फ ये होप करते हैं कि जितना हम लोग ने इन्जॉय किया वो प्रोजेक्ट में काम करने में उस प्रोजेक्ट पर, उतना ही आप उसको इन्जॉय करेंगे वंस द प्रोजेक्ट इज़ रिलीज्ड। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ उस प्रोजेक्ट के बारे में। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब गौरव थे, उन्होंने जब पैरानॉर्मल स्टार्ट किया था इंडिया में, एंड जब पैरानॉर्मल इंडिया में लेकर आए थे पहली बार एज द फर्स्ट पर्सन टू bring the paranormal to India and start Indian Paranormal Society 2009 mein, tab se right up till jab unki death hui thi 2016 mein, unko utna samman nahi mila tha, itna respect nahi mila tha jitna unko, ya itna the kind of attention, जितना जिस तरह का attention उनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। The media, the industry बहुत unfair रहे हैं उनको, उनके तरफ, उनके काम की तरफ। So and it is the same हम लोग के लिए भी। सो उनका नाम आगे बढ़ाने के लिए, उनका लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए, उनकी मेमोरी चलती रहे, जस्ट टू कीप
टू कीप हिज मेमोरी अलाइव, टू कीप हिज लेगेसी की कंटिन्यू. हम लोग उनकी टीम, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का जो टीम है अब, वी हैव डन दिस प्रोजेक्ट टू कीप हिज नेम गोइंग. रिद्धिम, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वीत और मैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ तकरीबन लास्ट 8 साल से काम कर रहा हूँ और मैं खुद को बहुत गर्व महसूस करता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि मैं गौरव सर के साथ काम किया हूँ. गौरव सर से बहुत सारी चीज़ सीखा हूँ. गौरव सर मेरा मेंटर है, मेरा गुरु है. आज मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसे जाना जाता हूँ वो सब गौरव सर के आशीर्वाद से ही है. तो जब हमें पता चला कि गौरव सर के ऊपर ये किताब आ रही है, जब ये डिस्कस हुआ हमारे साथ, वी फेल्ट वेरी वेरी प्राउड बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं पर लगा कि इस बुक के माध्यम से आप सब जान पाओगे गौरव सर को, अब बहुत करीब से आप लोग जान पाओगे और गौरव सर का प्यार, उनका इंटरेस्ट ये सब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से हुआ है वो आप सब जान पाओगे. तो आशा करता हूँ कि ये किताब जब आएंगे तो आप सब पढ़ेंगे ताकि आप सब भी गौरव सर के करीब हो जाइए और जान पाइए कि एक्चुअली गौरव सर कैसे इंसान थे और उनका जो इंटरेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में किस तरह, कितने हद तक वो था. थैंक यू सो मच. अब आते हैं, आपको एक बता रहा हूँ कि एक किताब लिखी गई है गौरव तिवारी भाई पे, जो कि रिलीज़ होने वाली है 2 सितंबर 2021, जो कि गौरव तिवारी जी का जन्मदिन है. इसको लिखा है मिस्टर अभिरूप धर ने. अभिरूप धर की मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, हालांकि जितना भी मैं बोल रहा हूँ वो कमी है उनके लिए. ये मतलब कोलकाता और कई शहरों में रहे हैं, कोलकाता में रहे हैं, बहुत सारे शहरों में रहे हैं. इनके अलग अलग लाइफ को देख करके एक्सपीरियंसेस हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है. हाँ, बट ये बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट से ही, मीन्स कोलकाता, आसाम, वो वाले रीजन से बिलोंग करते हैं. लोगों के इन्होंने कई तरह के फेथ्स देखे हैं, लोगों के कई तरह के इन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में लोगों का रहन सहन देखा है, उनके थॉट्स देखे हैं. एंड ग्रेजुअली, ऐसे तो ये बैंकर है, प्रोफेशनल बैंकर हैं ये, लेकिन ग्रेजुअली क्या है कि वो राइटर बन गए. क्रिएटिविटी उनके अंदर इतनी थी, उन्होंने किताब लिखी. अब सवाल ये उठता है, किताब तो देखिए आज के टाइम में कोई भी लिख सकता है, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि हाँ वो बुक किसी बेस्ट सेलर में आ जाए, फ्लिपकार्ट में, अमेजान में, इन्फीबीम में, कहीं भी? ऐसा नहीं होता. उनका जो उनकी क्रिएटिविटी ऐसी थी, होल्ड दैट ब्रेथ उनकी एक किताब आई थी, अमेजॉन में बेस्ट सेलर रही है. उसके बाद बिलवॉयर ब्रुक हॉन्टिंग, ये भी अमेजॉन में बेस्ट सेलर रही है. होल्ड दैट ब्रिथ पार्ट टू, ये भी अमेजॉन में बेस्ट सेलर रही है. और इसको विक्रम भट्ट, जो बहुत जाने माने हॉरर फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी सराहना की है इनकी. ये दार्जिलिंग, असम, कोलकाता, जलपाईगुड़ी, मतलब बहुत सारे ऐसे जगहों में रह चुके हैं जहाँ पे ये सब काफ़ी ज़्यादा भूत, प्रेत, आत्मा, इन चीज़ों का विश्वास है लोगों पे. तो इन्होंने लोगों को स्टडी किया और किताब लिखी. मैं अभिरूप धर जी की बात कर रहा था, जो कि ऑथर हैं इस बुक का, जो कि आने वाला है जीटी भाई के बर्थडे पे. ये इनकी फेसबुक प्रोफाइल है और आप देख सकते हैं विक्रम भट्ट पिन पोस्ट है. विक्रम भट्ट, आई डोंट थिंक ही नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन. होल्ड दैट ब्रेथ, मतलब उन्होंने मतलब मेंशन किया है इनको, अपने आप में एक ये क्या कहा जाए इसको, उपलब्धि है. हिंदी समझने वालों के लिए बोल रहा हूँ. इनके देखिए इस तरह के पोस्ट होते हैं, अमेज़न प्राइम में इनके बुक्स आ रहे हैं, ये मिस्टर अभिरूप हैं, इनकी फेसबुक प्रोफाइल है, आप अगर चाहो तो इनको फॉलो कर लेना, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा जो इस तरह के क्रिएटिव लोग हैं. और मिस्टर सुहेल माथुर, ये भी इनका बहुत बड़ा ही हाथ है, ये इनका कह लो रोल है इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, जो आईपीएस के लिए अच्छा होने वाला है. अब ये देखिए इनकी जो डीपी है, टेड टेडएक्स पे हैं,
अब जहाँ पे ये हैं यू नो इस प्लेटफॉर्म पे आना मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप टेट के बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, ये एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है द बुक बेकर्स, मुंबई बेस्ड है कंपनी, जहाँ तक मुझे पता है मुंबई बेस्ड है। आई डोंट नो, आप बाकी आप इसको वेरीफाई कर लेना। फॉलोवर्स भी बड़े अच्छे खासे हैं इनके। देखिए इन्होंने भी लिखा है आउट नाउ, अवेलेबल अवेलेबल ऑन अमेजन प्राइम, अभिरूप भाई का। तो आप ये समझ लीजिए कि आईपीएस से और गौरव तिवारी भाई क्लिक को एक तरीके से मतलब जो उनका मकाम था उनको नहीं मिल पाया, उनको दिलाने के लिए किस तरह के लोग आज जुड़ गए हैं। समहाउ आईपीएस के पास एक प्रपोजल आया कि गौरव तिवारी पे हमें किताब लिखना है, एक बुक लिखना है। हमने पहले डिसाइड किया करना है, ये पिछले साल की बात है, करना है नहीं करना है। हमारे जो पैनल में है आईपीएस में, जो मुंबई में तीन लोग हैं, सॉरी तीन लोग हैं और मैं, हमने डिसाइड किया। फिर मैंने उनको बोला कि आप लोग देखो, देख लो जो भी है, जो लिखना है नहीं लिखना है क्या करना है उनके, देखो क्या दिखाना चाहते हैं। सब कुछ होने के बाद फाइनली वर्क स्टार्ट हुआ और किताब लिखनी शुरू की गई। देखिए ये काफ़ी बाद में पता लगा कि जब बुक तो लिखी गई, उसको एक्वायर कर लिया पता किसने, वेस्ट लैंड पब्लिकेशंस ने। अब आप पूछेंगे वेस्ट लैंड पब्लिकेशन कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है जिसको कि अमेज़ॉन इंडिया ने एक्वायर कर लिया है, अमेज़ॉन। अब अमेज़ॉन से बड़ी तो कोई कंपनी ही नहीं है इंडिया, क्या दुनिया में कोई कंपनी नहीं है इन मामलों में। तो एक ये बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा सक्सेस मिला है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को। और इसको ना मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि ये मैं मान के चलता हूँ कि हमने इतना मेहनत करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, पब्लिक से बहस करके गौरव तिवारी भाई को एक जस्टिस दिलाने का काम किया है हमारे हिसाब से। तो 2 सितंबर को उनकी बुक आने वाली है। ये इससे भी अच्छी बात बताऊँ और भी तगड़ी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई, आपने सुना होगा कि मूवीज जो होती हैं बुक्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, जैसे ब्लेड मूवी आई थी, ब्लेड, रेसिडेंट एविल, ये सब दुनिया की बहुत हिट हिट मूवीज हैं। ब्लेड सीरीज हो गई, रेसिडेंट एविल हो गए, ठीक है, बुक ऑफ एली हो गया, मैड मैक्स फ्यूरी रोड हो गया। हमेशा ये होता है कि जब बुक मार्केट में आती है उसके बाद जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं उसका विजुअल एडाप्टेशन राइट, मतलब हम इस पे मूवी बनाना चाहते हैं, वो खरीद लेते हैं, उसके ऊपर मूवी बनाते हैं। ये पहली बार हुआ है वर्ल्ड का, मैं नहीं जानता, इंडिया में पहली बार हुआ है कि कोई बुक अभी रिलीज भी नहीं हुई है उसका विजुअल एडाप्टेशन राइट किसने खरीदा है? ऑल माइटी मोशन पिक्चर्स। ये न्यूज़ बहुत बड़े बड़े वेब पोर्टल पे आ चुका है, बॉलीवुड हंगामा और कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो बॉलीवुड से रिलेटेड हैं, मतलब एक तरह का आप समझ लीजिए कि नेशनल न्यूज़ ही है ये। ये आ चुका है और ऑल माइटी मोशन पिक्चर्स ये कोई छोटा मोटा प्रोडक्शन ग्रुप नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा इनके बारे। जो मैंने बातें कही, अब इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको कुछ मीडिया के लिंक्स दिखाता हूँ। ये डेली हंट आप सबने सुना होगा, ये काफ़ी ग्रो कर गया है। याहू न्यूज़ पे बिगेस्ट रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस एंड सम मोर हॉरर स्टोरीज नेवर सीन बिफोर विल बी कमिंग इन फॉर्म ऑफ वेब सीरीज। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। और ये न्यूज़ है 20 जनवरी 2021 की। द ट्रिब्यून, इसको तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसके बारे में मुझे कुछ बोलना भी, मुझे लगता है मैं ज़्यादा मैं बोलूँगा इसके बारे तो मैं उस लायक ही नहीं हूँ। सून हॉरर सीरीज बेस्ड ऑन घोस्ट हंटर गौरव तिवारी, पूरी न्यूज है। वीडियो को ये करने का सिर्फ मतलब था ना मेरा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कोई यूट्यूबर भी हैं या नॉन यूट्यूबर भी हैं, अगर आप मेरे इस वीडियो को डालना चाहते हैं अपने चैनल पे, मैं आपको कोई कॉपीराइट नहीं दूंगा। आप दोबारा सुन लीजिए, मैं आपको कोई कॉपीराइट नहीं दूंगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी जो लक्ष्य है कि
कि ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और पता लगे कि गौरव तिवारी क्या थे। आज देखिए हालात ऐसे हो गए हैं कि 12-13 साल के बच्चे गौरव तिवारी को नहीं जानते हैं, लेकिन 12-13 साल के बच्चे, आज ऐसी स्थिति हो गई है, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि फेक ब्लॉगर्स जितने भी हैं उनकी वीडियो देखे बिना वो सोते नहीं हैं। करना क्या है ये आप देख लीजिए, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। थोड़ा अब एंगल चेंज कर देता हूँ इसका। करना क्या है आप देख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ आपको। अगर आप इसको शेयर करेंगे डेफिनेटली आप भी जब इस किताब को पढ़ेंगे या गौरव भाई की बातें आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताएंगे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ कोई ऐसा बंदा था, आया था। पब्लिक अटेंशन तो उनको मिलना चाहिए था तगड़ा। मैं गवाह हूँ, 2014 में उनका ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड था। आज कितने बड़े बड़े हॉरर ब्लॉगर हैं, 4 मिलियन वाले, 5 मिलियन वाले, किसी का ट्विटर अकाउंट आपने देखा है वेरीफाइड है? देखिए समय समय की बात होती है, टाइम टाइम की बात होती है। जब उनकी डेथ हुई उसके बाद, मतलब उससे पहले जियो आया था और जियो ने पूरे इंडिया को, गांव गांव को पकड़ लिया। अब गांव गांव को पकड़ लिया तो भाई राइट तो सबके पास है, हम कुछ भी बना दें। और ये भी है कि किसको क्या देखना पसंद है। किसी को डरना पसंद है, भूतिया चीज ही देखनी पसंद है, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, भले वो रियलिटी हो या ना हो। और सच बता रहा हूँ कि मैं जहाँ बैठा हूँ ना, आज से 10 साल पहले यहाँ रात को 9 बजे के बाद भी कोई नहीं आता। जितने आप लाइट देख रहे हो कुछ नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था। हम आते थे यहाँ पे, ये जगह को एक बार आप और देख लो, घूम ऐसे दिखा देता हूँ। ये ना बच्चों की खेलने की जगह हो गई आज, इसको फ्री मैंने किया, इस जगह को इसको फ्री मैंने किया। हालांकि इंडिया न्यूज़ ने दिखा दिया था कि यहाँ पे एक शहतूत का पेड़ है, वो यही वाला जो मैं जिसके नीचे बैठा हूँ, जिससे डरावनी आवाज़ें आती हैं और रंजीत नगर के लोगों का जीना हराम हो गया था, वैसा हो गया था, वैसा हो गया था। इसका रीज़न ये था कि इतना बड़ा जो ये पार्क है, ये अंधेरा होता था रात में 5-6 बजे शाम 6 बजे के बाद। और यहाँ के लोगों ने अप्रोच किया था लोकल अथॉरिटीज़ को कि लाइट्स वगैरह लगे, क्योंकि बीच में एक रास्ता है ये दूसरे ब्लॉक को भी जाता है, तो यहाँ से फीमेल्स और कुछ जाते थे तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी, तो ये कंसर्न था। लेकिन लोकल अथॉरिटीज़ का इस पर कोई ध्यान नहीं गया। हमने बोला कि चलो एक शो ही इस पर कर देते हैं। अब शो को लाइमलाइट में लाने के लिए भूतिया और ये सब करना था। हाँ, पुराने लोगों का थिंकिंग है कि ये मैंने आपको जो बड़ा एरिया दिखाया, उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ ऐसी शक्ति है कि उन्होंने देखा है पूरे 3 स्टेप में किसी को, परछाई को पार्क से पार करते हुए। कई लोगों का कहना है उनको यहाँ थप्पड़ पड़े हैं, वो बेहोश हुए हैं इसी जगह जहाँ मैं बैठा हुआ। और आपको तो मैंने दिखा दिया ना, वो जो चुन्नी मुन्नी कुछ बंधी हुई थी वहाँ पे है, लोगों का विश्वास करते हैं ऐसा। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जितने मेरे चेले हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, क्रिकेट खेलने आते हैं, बैडमिंटन खेलने आते हैं, वो जानते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मेरे चैनल्स को देखते हैं। बोलते पता क्या भाई, अब डर नहीं लगता है। हाँ, उनको घर से अलाउड नहीं है 7 बजे के बाद यहाँ आना, वो अलग रीज़न है, वो एडल्ट्स नहीं है अभी, अंडर 18 है, तो उनको अलाउड नहीं है कि हाँ आप अकेले ऐसी जगह पर जाओ, और आएंगे तो अपने माँ बाप के साथ आएंगे। ये ख़त्म कर दिया था। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जो वो निकी अग्रवाल जिन्होंने एक वीडियो बनाई थी, वो जो टीनेज घोस्ट हंट उन्होंने किया था, आई मीन टू से सॉरी घोस्ट हंट नहीं बोलूँगा, पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन किया था अपने दादू से, अपने दादा से। उन्होंने अपना एक चैनल खड़ा किया था लास्ट ईयर और उसके बाद कुछ वीडियोज़ बनाई हैं उन्होंने, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं आपको चैनल का, उनको देखिएगा। मुझे तो वो वीडियो अच्छी लगी जो उन्होंने वीडियो डाली थी, हालांकि डर मैं भी गया था। जो उनका वो सब्जेक्ट था वो पैरानॉर्मल नहीं था, वो जिंदा इंसान लोगों के ऊपर था। मैंने उनको बोला भी कि भाई आपने इतना अच्छा पैरा इन्वेस्टिगेशन किया है, आप क्यों नहीं इस फुटेज को अपने चैनल पे डालते। उन्होंने साफ कहा कि सर मेरा पैरा से कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पैरा से मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है।
ठीक है, अब उनका प्लान है अलग अलग तरह की वीडियो बनाएंगी, वो स्टूडेंट हैं, कुछ अपने स्टडी से रिलेटेड, कुछ से रिलेटेड जो अच्छा लगता है। बट उनकी जो वीडियो देखी मैंने वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, डेंजरस सेल्फी, जो सेल्फी का लोगों का क्रेज होता है ना, जिसमें मर्डर तक इन्वॉल्व है, तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो थोड़ी डरावनी होने वाली है कुछ लोगों के लिए, तो तैयार रहिएगा। और व्यूज़ आपसे लूँगा, मतलब व्यूज़ कहने का मतलब है देखने वाला व्यूज़ नहीं, विचार, विचार आपसे लूँगा। अब मैं जाता हूँ, पता है क्या, यहाँ पे ना मुझे यार डर तो किसी से नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे जो पपीज़ है ना वो थोड़े दूर में है, वो पकड़ के ना, वो मैं जाता हूँ ना पकड़ देते हैं, ऐसा पकड़ते हैं ना कि डर जाता हूँ, मैं काफ़ी डर जाता हूँ, ऊपर ऊपर चढ़ने लगते हैं। और एक नहीं है, दो होते तो चलो झेल लेता, पांच पांच छः छः हैं, नहीं उनको क्या, मेरे बॉडी की स्मेल द स्मेल वो पकड़ लिए हैं। वो मैं चल के गली में आता हूँ तो धर पकड़ करते हैं वो, तो अभी उनसे थोड़ा बचना है ना, ये मेरे लिए थोड़ा बड़ा टास्क है। ये भूत प्रेत की बातें तो यार होती रहेगी। चलिए मिलेंगे फिर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।